अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्च टेक। मेरा नाम है अली हैदर। आज हम सीखेंगे लासो टूल। लासो टूल में हमारे पास आते हैं दो और, पॉलीगन लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। ये तीन चीज़ें हैं। और एक फ़ोटो गाड़ी की निकाली है और एक आदमी खड़ा है जिसमें, एंड ये ऊपर लाइटिंग वगैरह साइड पर लाइटिंग हुई है, ठीक है ना। आज हमने ये जो गाड़ी है ना, ये वाली, ये हमने गाड़ी इस आदमी को इधर रख के इस साइड पर, तो गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी की सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं, गाड़ी को किस तरह मूव कर सकते हैं, ये हमारा सबसे पहले लासो टूल। कोई भी सिलेक्शन हमने बनानी है तो फ्री टूल है, ठीक है ना। ये इस तरह आप फ्री बना सकते हैं सिलेक्शन, जिस तरह भी आप बनाना चाहें, ठीक है ना। तो हैंड बिल्कुल माउस पर सही चलता है ना, तो आप ये सिलेक्शन बिल्कुल ठीक बना सकते हैं। अगर आपके पास वो टैबलेट है तो आप टैबलेट से भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो पेंसिल वाला है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ईजी हो सकता है, जैसे कि ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं ये देखें, आगे आप नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना, आप यहाँ पर रोकना चाहते हैं, आप यहाँ से लेके इसको यहाँ तक एंड कर दें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सिलेक्शन को ऐड किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे हम, ऐड करेंगे, स्पेस बार पकड़ेंगे ना, तो ये आपको हैंड टूल मिल जाएगा। ये देखें हैंड, आपको पता लग जाएगा, आप स्पेस बार क्लिक करेंगे तो आपको हैंड टूल मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से आप इसको फिर मूव कर सकते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मैं सिलेक्शन को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि यार सिलेक्शन को मैं ऐड करता हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने जूम किया है एंड यहाँ से पकड़ के मैंने, सॉरी, कंट्रोल जेड कर दे, यहाँ से हमने पकड़ा, तो हमने इसको यहाँ पर ले गए, जितना आप दूर लेके जा सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर आके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ये सिलेक्शन हो गए। बट एक और चीज़, ये देखे मैंने अभी प्लस की है, तो आप, मैंने ये, जैसे कि यहाँ से मेरी गलत हो गई है, अब मैं इसको कट कैसे करूँगा, या तो मैं कंट्रोल जेड भी कर सकता हूँ, बट अगर आप माइनस करना चाहते हैं कुछ थोड़ा सा, अगर आप इसको माइनस करें तो यहाँ से आप यहाँ पर आना सबट्रैक्ट पर, ये देखें आपको नीचे ना ऑप्शन भी दे देगा सबट्रैक्ट का, यहाँ से बाहर से पकड़ लेना, यहाँ से इसको पकड़ के आपने, ये देखा ना, साथ माइनस का आपको ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। एंड ये आप माइनस कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, बाकी ही नहीं तो वरना सारे ही काट देगा। हमारा दूसरा टूल आता है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल भी हम चला सकते हैं। अगर मैं अभी चलाऊंगा तो ये एक नई सिलेक्शन बना के दे देगा मुझे, ये देखना, ये नई सिलेक्शन बना के दे रहा है। इसको आप, ये देखिए इस तरह, ये आपकी जान भी नहीं छोड़ेगा जब तक इसको आपने बैकस्पेस नहीं करना, बैकस्पेस सिलेक्शन कम होती जाएगी, ठीक है, एंड बैकस्पेस वापस आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से प्लस करना, ठीक है ना, प्लस करूँगा तभी मेरा ये आगे से सिलेक्शन शुरू होगी, ठीक है। अभी मैं सिलेक्शन को शुरू करता हूँ, यहाँ से मैंने पकड़ा, इस बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है ना। इसको आपने क्लिक करते जाना है, जहाँ जहाँ तक आपको चाहिए, जिस तरह आपको चाहिए आप इसको क्लिक करते जाएं तो ये करता जाएगा, साथ में जूम करते जाएं, जितना बड़ी काम आए आप उसको आस्ता 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 जूम करते जाएं। ये देखो मैं यहाँ पर प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। एंड मैं यहाँ से वीडियो को ना थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा क्योंकि आपका टाइम ना जाया हो, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो हमारा टायर है ये बहुत ब्लर है, तो आपने इसको अंदाजे के साथ ही, इसको साथ में आपने करते जाना, ठीक है ना, अंदाजे के साथ ही। ओके, हमने यहाँ से सिलेक्शन शुरू कहाँ से की थी, ये इसको क्लिक करके हमने यहाँ पर शायद सिलेक्शन शुरू की थी, ये देखें मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया इतने इतने से सिलेक्शन बना दिए, ठीक है। अभी हमारा जो चौथा टूल आता है ना, तीसरा, सॉरी, मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है ना, इसका बहुत आसानी से काम हो जाता है हमारा। सिलेक्शन हमारी थोड़ी सी रह गई है, तो हम क्या करते हैं, लासो टूल पे आते हैं, इसको हम माइनस करेंगे, थोड़ी सी सिलेक्शन को हम कम करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको काम दिखाने के लिए कह रहा हूँ, सिलेक्शन को हमने थोड़ा सा ना कम कर दिया, आपको दिखाना है कि ये किस तरह से वर्क करता है मैग्नेटिक लासो टूल। और ये जो काम करता है ना, ये एक जैसी चीज़ को पकड़ता है, कलर्स को। मैं एक दफ़ा बस इसको क्लिक, ये खुद ब खुद सिलेक्शन बनाता जाएगा। मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ एक दफ़ा, मैंने, सॉरी, बैकस्पेस करें एंड यहाँ से प्लस पहले कर लीजिएगा, यहाँ पर आना है। मैं बस कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बस मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये खुद ब खुद ही ये मूव करता जाएगा, ये देखें कलर खुद ही पकड़ा। बट इसका रीज़न ये है, ये एक जैसे कलर्स को पकड़ेगा ज़्यादातर, ठीक है।
मैं बैकस्पेस करता हूँ तो मैं अगर ऊपर ही लेके जाऊंगा, ये देखो बिल्कुल सही स्ट्रेट सिलेक्शन बनाएगा। ये देखें जो वाइट है वो वाइट के साथ हो जाएगा। स्पेस बार पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं, ये सारे के सारे एक जैसे कलर्स को पकड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए भी इसको काम कर सकते हैं, ज़्यादातर कटिंग के लिए कोई भी चीज़ है ना काम करता है। एंड ये इतने की सिलेक्शन बना देगा। ओके अगर हम अब इसको हमारा ये जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा हम इसको कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, लासो टूल से ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने प्लस करना है, सॉरी ओके ये हमारी सिलेक्शन हो गई है, कंट्रोल जीरो किया एंड ये हमारी गाड़ी की सिलेक्शन हो चुकी है। एंड या फिर आप इसको आप मूव भी कर सकते हैं मूव टूल से तो ये कट हो जाएगी, बट हमने आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, एडिट में जाएं कंट्रोल सी भी कर सकते हैं एंड यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करें एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर दें, एडिट एंड पेस्ट, कंट्रोल टी करें एंड राइट क्लिक करें गाड़ी के ऊपर, फ्लिप हॉरिजेंटल क्योंकि गाड़ी हमने इस साइड पर रखनी है और आदमी को हमने थोड़ा सा इधर लेके आना है, ठीक है। क्लिक किया, इसका हमने लॉक हटा दिया, लॉक हटा दिया तो ये लेयर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे मैं अगर लेयर इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर मैं वैसे इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये नीचे नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ही बैकग्राउंड को हटाऊँगा तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये अभी बिल्कुल गायब हो चुकी है, ठीक है ना। हमें इसको नीचे नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले एक दफ़ा ना हाइड कर देंगे गाड़ी को, ये आई वाले बटन से हम इसको हाइड कर देंगे एंड यहाँ पर आएंगे एंड ये जो मैन है इसकी हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन को आपको पता लग गया आप किस तरह से कर सकते हैं तो मैं ये स्किप कर दूंगा, ठीक है ना। ओके ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है एंड अभी हमने क्या करना है, इसको पहले हमने कंट्रोल जे करना है सिलेक्शन को ही साथ ही, कंट्रोल जे एंड ये देखें अब मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ ये नीचे वाली पीछे वाली बैकग्राउंड लेयर को। ये देखें ये हमारे पास एक आदमी, हमने गाड़ी को उधर लेके आए, ऐसे हमने आदमी को भी अलहदा कर दी है इस फोटो से बैकग्राउंड से, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, कंट्रोल के साथ अब इसके ऊपर क्लिक करें, ये जो हमारी हमने मैन है आदमी है जो कंट्रोल के साथ, तो ये सिलेक्शन दोबारा आ जाएगी, ठीक है। एंड हमने क्या करना है, सिलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई एंड एक्सपेंड, ये देखें एक्सपेंड एंड इसके एक्सपेंड करना है आपने 8 पिक्सल का, ठीक है ना। एक्सपेंड का मतलब होता है कि सिलेक्शन को और थोड़ा सा खोल देना, 8% हमने रख दिया एंड ओके। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें 8 पिक्सल हमने रखा है तो हमारी सिलेक्शन थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। उससे पहले आपने अपनी फोटो का साइज देख लेना, ठीक है ना। इमेज में जाना है, इमेज साइज, तो मेरी फोटो का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आप भी अपनी फोटो का साइज के हिसाब से आपने पिक्सल्स का रखना है, ठीक है ना, एक्सपेंड करना है अपनी फोटो के हिसाब से। एंड मैं शिफ्ट बैकस्पेस भी कर सकता हूँ, शिफ्ट बैकस्पेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके अंदर फिल, फिल का हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा जाए एंड यहाँ पर आ जाएगा आपको फिल का ऑप्शन आ जाएगा। शिफ्ट F5 से भी आ सकता है, ठीक है ना। आप दोनों चीज़ों से तीनों चीज़ों से लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये दोनों चेक लगे रहने दें और यहाँ से आपने कंटेंट अवेयर रखना है नॉर्मल एंड 100% ओपेसिटी एंड यहाँ से आपने ओके कर देना है, सॉरी इसके ऊपर नहीं करना, इसके ऊपर करना है आपने, इसको आपने रिमूव कर देना है, ये वाली लेयर को हमने दोनों को रिमूव करना है, इसके ऊपर आना है, एडिट में जाना है, फिल में जाना है एंड ओके कर देना। ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी एंड ये हमारा आदमी गायब हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल डी कर दें तो ये देखें हमारा ये आदमी गायब हो चुका है एंड यहाँ से मैं आई वाले बटन पर प्रेस करूँगा तो ये हमारा अब आदमी अलहदा हो चुका है, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ओके इतना काफ़ी होगा। ओके अब हम रखेंगे इसके ऊपर गाड़ी, कंट्रोल टी करें गाड़ी को थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है इतना ऑलमोस्ट इतना बेटर है। अभी हमने गाड़ी के नीचे लगानी है शेडो, शेडो हम किस तरह लगाएंगे, ब्रश बी से ब्रश, ब्रश टूल पकड़ना है हमने, इसका साइज आप ब्रैकेट नहीं जो होते ब्रैकेट के साथ भी आप बड़ा कर सकें बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेफ्ट के साथ बड़ा या छोटा कर सकते हैं और दूसरी राइट के साथ आप बड़ा कर सकें, ठीक है। एंड यहाँ से भी आके आप अपने ब्रश का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक। मैं ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ ही ज़्यादातर कर रहा होता हूँ तो आप उसके लिए ही ईजी हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी ब्रश टूल पकड़ना,
एक ना शेडो लगानी है, ठीक है ना। हम किस तरह लगाएंगे, ब्रश पर जाएंगे, सबसे पहले आपने इसकी एक न्यू लेयर ले लेनी है। यहाँ पर हम शेडो भी लिख, शेडो लिख दें, SHADOW, शेडो, ठीक है। दोनों के नीचे रख दें। अब मैं ब्रैकेट के साथ इसको बड़ा कर रहा हूँ, एंड एक बार क्लिक किया तो काफ़ी है, ठीक है ना। कंट्रोल टी करें, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये अगर सिलेक्शन है ना ये वाली चीज़, आप इसको डार्क करना चाहिए तब भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ मैं इसको कर रहा हूँ ये चीज़, एंड इसको आप रोटेट कर दें इस तरह से, यहाँ पर लगा दें, गाड़ी के इस तरफ लगानी है, क्योंकि हमारी ये जो लाइट्स हैं ये इस तरफ से पा रही हैं, ये वाली चीज़, एंड यहाँ से ये ऊपर से भी पा रही है, तो हमारी ये शेडो इस तरह। अगर आपको लग रहा है कि हमारी शेडो ज़्यादा तेज़ है, डार्क है, तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसकी ओपेसिटी 90% रख देता हूँ। ओके, अभी हमारे मैन है जो, इसके नीचे भी शेडो यार आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइट्स हैं वो ऊपर से आ रही हैं, साइड से आ रही हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जे, इसी शेडो को कर दें, जैसे कि ये डार्क होगी, वी करें, यहाँ पर ले आए, कंट्रोल टी करें, छोटा कर लें, ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, एंड यहाँ पर आप रख दें, इसकी ओपेसिटी आपने और कम करके 50% रख दें। इसकी अभी आपने इसी तरह ही इधर ही रखना है, ठीक है ना, एक साइड पर 52 आपने रखी है इसकी ओपेसिटी, एंड ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करेगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड अस्सलाम वालेकुम।